नमस्कार, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। संसद की एक समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से एटीएम से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने को कहा है। समिति ने कहा है कि एटीएम बंद होने से कई बार ग्राहकों के पास नकद धन का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने बैंकों से पर्याप्त मात्रा में एटीएम लगाने को भी कहा है। समिति की रिपोर्ट पिछले सप्ताह संसद में पेश की गई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2018 के अंत तक देश के ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की संख्या 221,492 थी। इनमें से 143,844 एटीएम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के, 59,645 निजी क्षेत्र के बैंकों के तथा 18,300 एटीएम विदेशी बैंकों के, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल लेनदेन अभी तक सार्वभौमिक नहीं हुआ है। ऐसे में समिति चाहती है कि रिजर्व बैंक के एटीएम के ठप होने बैंकों के एटीएम में कमी की समस्या को दूर करने के लिए तेजी से काम करे। साथ ही सभी अंशधारकों के लिए एटीएम की आर्थिक व्यवहार्यता को भी सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाली समिति ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली में नकदी डालने के अभियान के बावजूद ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों में एटीएम में नकदी की आपूर्ति की समस्या हल नहीं हो पा रही है।